दोस्तों, जेके आईटीवी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रैक्टिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जो सेकेंड ईयर एनसीवीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्जाम 3 अगस्त और 4 अगस्त को होने हैं। प्रैक्टिकल के एग्जाम की बात हो रही है, हॉल टिकट जारी हो चुके हैं। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो बना रखा है, देखिए और डाउनलोड कर लीजिए। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और उसमें लिखा है कि सेकेंड ईयर के 3 तारीख को एग्जाम होने हैं, किन्हीं के 4 तारीख को। तो आई थिंक इलेक्ट्रिशियन के प्रैक्टिकल का एग्जाम 3 तारीख को होना है और सुबह 9:30 बजे का टाइम रखा गया है। तो आप सभी यदि प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार की नई नई वीडियो लेकर आएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी देखें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीवीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए प्रैक्टिकल की कई वीडियोज हमारी प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट बनी है, आईटीआई प्रैक्टिकल के नाम से, आप उसे देखिए। और उसमें 4 या 5 वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें देखकर प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम वैसे तो 3 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आईटीआई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हमने लास्ट ईयर जब प्रैक्टिकल का वीडियो बनाया था कि इन्हीं में से क्वेश्चन आए थे, और 3 ही क्वेश्चन दिए थे और पूरा पेपर उन्हीं 3 क्वेश्चन में से आया था। यदि आपको विश्वास न हो तो आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद पेपर देख लीजिए। हमने पहले दिन वीडियो बनाया था सुबह 6 बजे और पेपर 10 बजे था, सुबह 10 बजे, तो सेम क्वेश्चन आए थे। तो इसी बार हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आई थिंक इन 3 क्वेश्चन को एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं। क्रॉस चेक करके वीडियो लाए हैं, तो कोई भी तुक्का नहीं है, आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्रैक्टिकल का पूरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, लेकिन अभी आप समझ सके इसलिए हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। तो वीडियो को लाइक तो एक बनता ही है। ड्रॉ द कनेक्शन डायग्राम टू आइडेंटिफाई द अननोन टर्मिनल्स ऑफ ए डीसी मशीन एंड वेरीफाई बाई टेस्ट। तो आपको क्वेश्चन पूछा है, डीसी मशीन के अज्ञात टर्मिनलों की पहचान करने के लिए कनेक्शन आरेख बनाइए और परीक्षण द्वारा सत्यापित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है। अब ये क्वेश्चन कहाँ आएगा तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल का पूरा पेपर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, वहां आपको इस प्रकार से दिखाई देगा और वहां आपको लिखा होगा 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन 1 में भी ए बी सी 3 पार्ट होंगे, ए बी सी 3 पार्ट होंगे, बी में भी 3 पार्ट होंगे, सी में भी 3 पार्ट होंगे, यानी कि 1 में 3 पार्ट, 2 में 3 पार्ट और 3 में 3 पार्ट, यानी कि पूरे 9 क्वेश्चन आपको एक तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें ए नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन और सी नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट ये आपको देखने को मिलेंगे। जब पहला क्वेश्चन होगा तो आज की वीडियो में जो 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं वो 3 पहले क्वेश्चन के ही पार्ट है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, ये पहले का ए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, आपको डीसी मशीन के अज्ञात टर्मिनलों की पहचान करने के लिए कनेक्शन आरेख बनाना है और परीक्षण करना है। तो इसमें आपको कनेक्शन आरेख यानी कि एक डायग्राम बनाना है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आंसर 3 का लास्ट में करेंगे, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन डीसी मशीन से पूछे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन 1 है लेकिन उसमें पार्ट 3 बनाए हैं, तो हम 3 का एक साथ ही आंसर देख लेंगे इस वीडियो में। आपको कहा है कि उपरोक्त कार्य करने के लिए आवश्यक उपकरण, यंत्र, मशीन और सामग्री का विनिर्देशन और प्रक्रिया के साथ लिखिए। अब उपरोक्त कार्य कौन सा है, उपरोक्त कार्य वह है जो पहले क्वेश्चन के ए में पूछा गया है, यानी कि अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसे ही उपरोक्त कार्य कहा गया है, यानी कि आपको डीसी मशीन के अननोन टर्मिनल की पहचान करनी है, उसके लिए आवश्यक उपकरणों के नाम लिखने हैं, यंत्रों के नाम लिखने हैं, मशीन और सामग्रियों के नाम लिखने हैं, समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है टेस्ट एंड आइडेंटिफाई द अननोन टर्मिनल ऑफ कंपाउंड मशीन। तो इसमें कहा है एंड वेरीफाई बाय टेस्टिंग, कंपाउंड मशीन के अज्ञात टर्मिनल आपको ज्ञात करने हैं, अज्ञात टर्मिनल का परीक्षण और पहचान करें, परीक्षण करके सत्यापित करें। तो आपको परीक्षण का कह रहा है, यानी कि आपको टेस्टिंग करनी है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे,
इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिकल का वीडियो बनाया था कि प्रैक्टिकल की एग्जाम में क्या क्या लिखें इस प्रकार से टाइटल से, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें जो मैंने बताया है आप उसे सारी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा और बता देता हूँ, आपको तीनों क्वेश्चन का अलग अलग लिखना है। पहले उद्देश्य, उद्देश्य लिखेंगे आप, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे देखिए। उसमें मैंने बताया कि किसी प्रकार का कोई भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आ जाए, बस आपको उतना ही लिखना है और आप पास हो जाएंगे। उद्देश्य में आपको लिखना है जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना है, कंपाउंड मशीन के अज्ञात टर्मिनल का परीक्षण और पहचान करना और परीक्षण द्वारा सत्यापित करना, ये आपको उद्देश्य में लिखना है। फिर आपको दूसरा लिखना है वो, ये आपका हो गया उद्देश्य, तीनों में सेम लिखना है, यानी कि जो तीनों क्वेश्चन आज वीडियो में दिख रहे हैं उन तीनों में सेम लिखना है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, अभी जो हमने दूसरा क्वेश्चन बताया उसमें लिखना है आपको आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण में आप लिखेंगे आवश्यक उपकरण, इस प्रकार से आप लिखेंगे, और आवश्यक उपकरण में आप 10 उपकरणों के नाम लिखेंगे, जैसे फेज टेस्टर, वोल्टमीटर, एमीटर, मल्टीमीटर, जो भी आपको पता है मैंने उस वीडियो में बताया वो सारा लिख लीजिए। अब इन तीनों का आंसर, ये तो इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन बता दिए इस वीडियो में, अब तीनों का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो आप जाइए हमारी यूट्यूब में, यूट्यूब पर सर्च कीजिए पहले तो जेके आईटीआई मंत्र आपको इस प्रकार से सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं फिर आपको जाना है हमारी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आप चले गए, प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है, वहाँ आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट प्रैक्टिकल की, आईटीआई प्रैक्टिकल के नाम से, उसमें जाइए और एक वीडियो मिलेगा आईटीआई एग्जाम में क्या क्या लिखे, प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्या क्या लिखे, इस प्रकार से थंबनेल लगा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को मिलेगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और सारे प्रैक्टिकल के आपको आंसर वहां मिल जाएंगे। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।